सो गाइज अब हम आ गए हैं अपनी हाउस बोट के पास। अभी हमें ये जो बोट्स खड़ी है ये वाली, वहाँ पे हमारी हाउस बोट तक लेके जाएंगी, फिर वहाँ पे हम चेक इन करके उसके बाद जाएंगे शिकारा राइड पे। ये आ गई हमारी बोट, उस पर हम जाएंगे अपनी हाउस बोट तक। निकली बड़ी है, बैठ तो गए हम लोग बड़ी महारानी क्वीन बन के। रुदो लेते हाँ, लेकिन जान निकल रही है। रील्स बनाई थी मैंने, एक व्लॉग बना दिया, बोल रही हाथों को भरे मत। बना दी रश्मि की व्लॉग थी, अपने फोन से ले ले, मैं ले लूंगी ये ड्रॉप। एक कोट हटी है इसका यहाँ से फेस पे से हल्का सा। तो होगा ना वहाँ पे क्या क्या पानी कहते, फिर खुद ही पीछे का मैं ले लूंगी, तो इधर कर ले। बहुत मजा आ रहा है, लेकिन इतनी ठंड लग रही है ना, पता नहीं रात को तो क्या ही होने वाला है। गॉड नोज, पानी में जान भी निकल रही है कि हम लोग गिर ना जाए। ये देखो भाई, दो दो ब्लॉगर लगे पड़े हैं, एक इधर लगा पड़ा है भाई। हम तो बस यहाँ पे काम करने आए हैं, मौज करने तो ये आए हैं। और कोट 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 रुदु, ये हम जा रहे हैं अपनी हाउस बोट पे। हम लोग जा रहे हैं अपनी हाउस बोट पे, करेंगे मस्ती। तेरी आवाज वहां तक नहीं आ रही, बच्ची चिल्ला रही है। आए मेरे लड्डू आते हैं भाई। हेलो बच्चे ने आता है, चिल्लाना तीनों चिल्लाना, आना चल। पागल है क्या, शार्क की पूंछ बैंड किया, उतर के भाग जाऊंगा तो कृष्ण कृष्ण बन जाऊंगा कृष्ण। अच्छा ठीक है, तेरा तू भाग के देखा बच्चा पूरा कवर करके रख। ओए ओए भाई, रात में यहां बहुत तगड़ी ठंड होने वाली है, बहुत क्या मजा आ रहा है, ठंड बहुत हो रही है ना। ये देखो कुकड़ी बनी हुई है एक की, तो एक तो हाथ ऐसा कोड़ के बैठा, अंदर हवा चली ना जाए। एक इंसान की बैठने से गाल लाल हो गए, नाक भी लाल नहीं, मैं ऐसी बोल रही मैं तो। हम आ गए, देखो भाई हवा टाइट हो रही है। ऋतु ज्यादा गहरा नहीं है, चलो शुक्र है। देखो आओ मैं आपको दिखाती हूँ अपनी हाउस बोट कैसी है। नहीं मतलब आपकी हाइट कम है ना, तो इतना तो कोमल का हाइट छोटा, भैया भैया हाइट छोटा है इसका। नहीं मतलब इसके हिसाब से रुदु मजा आला है। हाँ रुदु मजा आला है रात को। ओते आप ऐसा करो, यहाँ से यहाँ पे चलो, शूज निकालो फिर आजा। नहीं नहीं इसको मत उतारो। सो गाइस ये हमारी हाउस बोट का व्यू, हम पहुंचे अपने हाउस को बोट के अंदर, एंटर कर रहे हैं। बाहर हमें शूज रिमूव करने हैं क्योंकि थोड़ा सफाई फाई के लिए, क्लीननेस के लिए इसलिए। और ये रहा हमारी हाउस बोट से पूरा व्यू, ये हम एंटर कर रहे हैं अपनी हाउस बोट के अंदर। हाउस बोट के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं, ये रहा
ये भैया बता रहे हैं आप इसको बहुत लाइक करोगे। ये हीटर है ना भैया? हाँ। ये हीटर है, ठीक है मैम। हाँ जी, ये भैया हमें, ये हमारा हाउस बोट का सेटिंग एरिया है, ये हमारा डाइनिंग एरिया है, नॉन वेजिटेरियन है हम। ये यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ये रहा। ये हमारा है बेडरूम हाउस बोट का, हमारा वाला है। बहुत ठंडा है, दो उधर तीन है। ये हमारे रूम में हीटर लगा हुआ है, ये जो शाम को रूम के अंदर सोने के आते हैं ना, उसमें इसको चालू करते हैं। ये यहाँ का वॉशरूम है, नहीं कर सकते क्योंकि भाई वैसी दिक्कत तो नहीं करेगा ना सांस वांस की? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा नहीं, इसको ज्यादा यूज नहीं कर सकते ना, ज्यादा यूज करें। हीटर वाला बैठा, हीटर से क्या फायदा होता है, ये रूम का टेम्परेचर चेंज करता है। अच्छा, लेकिन इसको 24 घंटे 12 घंटे जितने टाइम रूम में है उतने टाइम चौधरी रख सकते, क्योंकि इससे भी दिक्कत होती है ना। अच्छा, सांस लेने में। तो ये नाइट में चलेगा बस? दो तीन घंटे चलता है रूम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए, बाथरूम में गर्म पानी ठंडा पानी आएगा। दिखा दिया, इसके अंदर चलो संजय गोदी ले लेना। अब जा रहे हैं हम कृषिका के रूम में, कृषिका शर्मा। सूट किसके पास है? ये भी हाँ, यहाँ पे भी सेपरेट है। ये कृषिका का रूम है भैया, आपको शिकारी में घूमने के लिए दो शिकारा लगेगा। हाँ, दो ही लगेगा, पांच लोग है ना। हमारा कौन सा रुद्र? हमारा बला वाला है, बला वाला रूम है हमारा। कह रही हमारा बला वाला। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनो। बताइए आपका जो लगेज है, आपका पहले ये बताओ, आप लोग वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन? नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, वी आर नॉन वेजिटेरियन, चार नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा कर देंगे मैडम, अच्छा लगा। ये देखते हैं बस, अच्छा लगा। ये देखो, ये ओरियन की मस्ती, मेरा बच्चा। और ये हमारा बला वाला लूम है, हमारा बला वाला लूम है। यहाँ पे भी बर्फ पड़ती है भैया? यहाँ पे भी बर्फ पड़ती है पहाड़ों में? आज सुबह जब हम जाग गए ना, हाँ जी, यहाँ पे 2 इंच बर्फ पड़ गया था। अच्छा, आपने देखा सुबह बर्फ पड़ गई थी? हम 10-11 बज जाते हैं, पूरा खत्म हो जाता है। अच्छा जी, जम भी जाता है? हाँ, सुबह वेकअप करो जल्दी, मैं दिखा दूंगा कैसा जमता है ये पूरा। फिर ऐसे ही धूप निकलता है, पिघल जाता है, फिर सुबह ऐसे ही जमता है। हम कहाँ है रुदु? रुदु बताओ जल्दी। बोलो शिकारा, पकड़ के टाइप को शिकारा। ये कहाँ है रुदु? हम ये हम शिकारे पे आए हैं, और ये भैया हमारी बोट चला रहे हैं, शिकारे चला रहे हैं। देख लाइन किस कर रही तुझे, क्या प्राइस है बताइए। हम पी रहे कावा, क्या क्या डाला आपने? 16 थिंग्स रहता है। अच्छा, कलर देखिए, एक मिनट रुकिए, मैं उनको पहले बोलूंगा। अरे टेस्ट करना, सिप करके कैसा है। रुकिए रुकिए भैया। अच्छा, लेना एक और, ये से ले लो, ले लो एक और दे दो भैया। दूध रुको, गर्म है, ताता है। कैसा है? चालू होगी इनकी फोटो सेशन, फोटोग्राफी। Thank you.
खरगोश छुपा हुआ है इसके अंदर ना, इसके अंदर खरगोश छुपा हुआ है, वो ना चिप्स मांग रहा है, कड़क 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 करके चिप्स खा रहा है। दिखाओ खरगोश, ये रहा हमारा खरगोश। क्या आए हम सब लेकर आए, ये होगा हमारा शिकारा राइड स्टार्ट। नहीं भाई नहीं, आप देखो ना पहले देखो, रुदु मजा आ रहे है भैया, ले चुके हैं हम लोग। दिखाओ बटन लगाओ, देखा देखा, देख ले भैया। अच्छा अच्छा, होटल लेना छोटा वाला, नहीं है हमारे पास, पैसे दे पैसे राइड। रुदु आ जाओ मम्मा पास, आ जाओ बेटा। किधर आओ सजू, ग्लव्स दे दूं क्या आपके? हाँ मेरे ग्लव्स दे दे, मेरे भी लेकर आए थे। हाँ इसी के अंदर है, बैग के अंदर बेटा, जो भी है ग्लव्स, मुझे लगा तुमने ले लिए। कोई नहीं, ये वाले पहन ले, थोड़े ना उस बड़े वाले बैग के अंदर है सबके। रुको मेरे भाई पहनाने दो, नहीं बोल रही मैं, गरम वाले बोल रही हूँ। कोई बात नहीं तू मेरे पहन ले, मैं तो वैसे भी वीडियो बनाऊंगी कम्बल के अंदर। कुछ कोमल दिख, कोमल जल्दी से आ जा, ये देखो। रुदु को देख, रुदु को। हाय रुदा, ये रुदा एक बार ये क्या दो, ओ टक्कर मार, चल चल ये करो, ये एक वीडियो देखो। नहीं भैया कहावा नहीं, हॉट चॉकलेट मैम आपके लिए कुछ, चलते चलते हो जाता है मैम। पचास का एक, पचास का एक भैया दे दो। कितने दो, सभी खाना है, सभी खाना, मैगी खाएंगे, छल्ली खाएंगे, तो क्या मैं? एक ही ले ले कोमल, मैगी खा रहे ना, एक ही दे दो फिर। मैगी बनवाई है, दो बनवाई है, दो भुट्टा एक ही ले ले, खाना तुझे। और क्या बुलाया मैंने, बुलाया पहले, पहले बुला लिया था। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, मैंने बहुत ऐसी जगह रुकवा दी। बोलो भैया देखो, पकड़ो ना, अरे आधा आधा खा, नहीं खाऊंगा कौन, मेरा मन नहीं है, अजीब सा हो रहा है। देखो ये है छली जो मैं खाऊंगी, मुझे भी खाओ बेटी, पानी में गिर जाता। थैंक यू भैया, भैया गरम 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 बना देना, गरम ही तो है, आग में से निकाल के दिए। पंजाबी मूवी का डायलॉग है, कैसा है? खाओ खाओ खाओ, नहीं खाई वैसे, नहीं देते थोड़ा थोड़ा ना, पहले इसमें 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 हम पहुंच गए होटल, हाउस बोट पे, ये हमारी हाउस बोट है। ए मुद्दा, ए मुद्दा, मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स है वहाँ पे, उसकी टोपी आंख में। मैंने इसमें डाल दिया आपने, नीचे से उठा के मम्मा खिलाएगी। रुदु इधर आ, इधर आ मम्मा पास, नहीं पेको, नहीं पेकना उधर।
सो गाइस, रात को पार्टी के बाद हमने डिनर वगैरह किया और उसके बाद सो गए और सीधा नींद खुली सुबह 8 बजे। जैसे ही हम उठे वैसे ही हमने बाहर देखा, इतना प्यारा स्नोफॉल हो रहा था, इतना खूबसूरत लग रहा था ना, सुबह सुबह स्नोफॉल देख के दिल खुश हो गया। और फिर हम लोग फटाफट रेडी हुए, ब्रेकफास्ट किया और फिर निकल गए दूसरे होटल में चेक इन करने के लिए, क्योंकि हम लेट नहीं होना चाहते थे उसके बाद, क्योंकि हमें पहलगाम के लिए निकलना था। तो हम लोग रेडी हुए और निकल गए सीधा दूसरे होटल में चेक इन करने के लिए। और फिर रेडी होते होते इन दोनों भाई बहन की मस्तियाँ चालू हो गई। देखो कैसे डांस कर रहे हैं। अभी कृषिका गाएगी गाना और संजू करेगा डांस इतने ज़ोर ज़ोर से, मतलब इतनी मस्ती कर रहे थे ना, बहुत 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 मज़ा आ रहा था, बहुत हंसी आ रही थी। ये चालू हो गई, मतलब ये जहाँ होंगे वहाँ पर ये हरकतें तो होंगी ही होंगी। दोनों ही मस्ती खो रहे हैं एक नंबर के। हमारा नेक्स्ट होटल सिक्स सीज़न, और बहुत मस्त होटल है भाई, ज़बरदस्त। फटाफट से हम चेक इन करते हैं और उसके बाद निकलते हैं पहलगाम। फिर हम होटल में चेक इन करके निकल गए पहलगाम के लिए, जो कि 2-3 घंटे का रास्ता था। और रास्ते में पहुँचते क्योंकि लंच टाइम हो चुका था तो हमें लगी बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग रुक गए रास्ते में लंच के लिए। तो हमें वहाँ दिख गए एप्पल के बाग जो बहुत सुंदर लग रहे थे, और फिर वहाँ हमें इत्तेफाक से एप्पल जूस भी मिल गया, तो हमने एप्पल जूस पिया। उसके बाद गए हम लंच करने के लिए, जहाँ हमने मंगाई दाल रोटी, और उद्दू को देखो कितने मज़े से खा रही है दाल रोटी। और फिर लंच करने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पर दोबारा और पहुंच गए पहलगाम। पहलगाम जाने के बाद हमें पता चला कि हम ऊपर जो मेन अट्रैक्शन है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी बोलते हैं, वहाँ हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और जो गाड़ियाँ, स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था और जो हमारी जो कैब थी वो स्लिप हो रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम वहीं पे इंजॉय करेंगे, क्योंकि और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। तो हम लोग बर्फ़ में वीडियोस बनाने लग गए और क्या कहते हैं, मस्ती करने लग गए। और फिर थोड़ी बहुत मस्ती फ़ोटोज़ वगैरह के बाद हम निकल पड़े दोबारा वापस अपने होटल के लिए, यानी श्रीनगर के लिए।